टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। ग्रेटर नोएडा पुलिस का शराब तस्करों के खिलाफ अभियान बदस्तूर जारी है। जिले में लगातार शराब तस्करों की आए दिन धरपकड़ की जा रही है। दादरी में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला, जब दादरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 1000 पेटी अवैध शराब बरामद की। इस शराब की कीमत बाजार में करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। वो ये शराब लेकर अमृतसर से अरुणाचल प्रदेश जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये ट्रक किस तरह अवैध शराब से भरा हुआ है। दरअसल देर रात दादरी पुलिस हाईवे पर कोट गांव के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक ट्रक को चेकिंग के लिए रोका गया और उसमें शराब का जखीरा देखकर पुलिस सन्न रह गई। तभी उन्होंने आबकारी विभाग की टीम को मौके पर बुलाया और जांच कराई गई। उसमें पाया गया कि पूरी शराब अवैध रूप से पंजाब से अरुणाचल प्रदेश ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक से 1000 पेटी शराब जब्त की, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। दादरी में एक 10-12 ट्रक पकड़ा गया है, जो दादरी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। यह ट्रक अमृतसर से लोड होकर के आया गया और अरुणाचल प्रदेश जा रहा था। यहीं कोर्ट के पास में जो सर्विस रोड है उसके पास में इसको चेक किया गया, तो उसमें अवैध शराब लदी हुई थी। मौके पर आबकारी टीम को बुलाया और उनके पेपर्स वगैरह चेक कराए गए तो फर्जी पाए गए। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शराब जो है उसमें 1000 पेटी हैं, जिनकी कीमत 40 से 50 लाख के करीब आके गई है। साइज में कितने आरोपी अभी पकड़े हुए हैं? मौके पे एक आरोपी पकड़ा गया है जो ट्रक पे था। कब से कर रहे हैं सर ये काम इस तरह का? अब ये काम तो काफ़ी पहले से चल रहा है, अब तो काफ़ी नियंत्रण में है। कई बार यहाँ पे पकड़ी गई है शराब और अभियान लगातार चल ही रहा है। हमारे SSP साहब नेतृत्व में निर्देशन में लगातार कार्रवाई चल रही है। इस दौरान ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है और तस्कर से पूछताछ के बाद शराब माफियाओं की तलाश में जुट गई है। गौरतलब है कि जिले में करोड़ों रुपए की अवैध शराब अब तक पकड़ी जा चुकी है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ भूपेश प्रताप, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।